हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करते हो आप लोग ठीक हो। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये रहा मेरा होली फोटो एडिटिंग। तो गाइस, आप लोग भी चाहते हो कुछ इस तरह से होली फोटो एडिटिंग करना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो छोड़ूंगा तब आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, वो भी सबसे पहला। तो चलो गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, आपको सबसे पहले पिक्सेट एप्लीकेशन के अंदर अपनी बैकग्राउंड को लेके आ जाना है गाइस। लेके आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, लेके आने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो यह फोटो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही बढ़िया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, क्लिक करने के बाद अपनी मॉडल का फ़ोटो या अपनी फ़ोटो को ले लेना है गाइस। तो पहले से ही मैं कटआउट करके रख चुका हूँ, तो आप लोग भी HD क्वालिटी में बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी, आप चाहो तो देखकर उससे सीख सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया। तो गाइस, अपनी बैकग्राउंड की हिसाब से अपनी फ़ोटो को साइज कर लेना है गाइस। देख सकते हो इस तरह से इतना सा करीब रख देना है, तब भी ठीक लगेगा, नहीं तो ठीक नहीं लगेगा। तो उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है गाइस। देख सकते हो कॉर्नर पर जो राइट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही बढ़िया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, क्लिक करने के बाद आपको फिर से यह फोटो में आपको आ जाना है गाइस। देख सकते हो जो यह फोटो है इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। बहुत ही बढ़िया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, क्लिक करने के बाद आपको कुछ PNG ऐड कर लेना है गाइस। तो चलिए मैं कुछ PNG ऐड कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो गाइस, ए PNG को ले लेना है। लेने के बाद आपको इस तरह से जूम कर अच्छी तरह से फुल कर देना है गाइस। इस तरह से देख सकते हो ए PNG को इस तरह से फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, फुल करने के बाद आप लोग देख सकते हो जो इरेज वाली इस पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही बढ़िया। क्लिक कर आपको इन्वर्ट पे देख सकते हो गाइस, इस पर आपको टैप कर देना है। करने के बाद आपको ब्रश पे आपको क्लिक कर देना है गाइस। देख सकते हो ब्रश इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर आपको इसको इस तरह से छोटा कर लेना है, इसको भी छोटा कर लेना है। छोटा कर इस तरह से आपको फोटो को जूम कर लेना है गाइस। बहुत ही बढ़िया। जूम कर आपको इस तरह से पेंट कर देना है गाइस, थोड़ी थोड़ी से पेंट कर देना है, क्योंकि जो रियलिटी लुक है वो मेरे फोटो के अंदर आ जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ी थोड़ी कर दे देता हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो गाइस, देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, देने के बाद आप लोग देख सकते हो जो राइट है इस तरह से आपको दे देना है थोड़ी सी। तो गाइस, देने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है गाइस। देख सकते हो ऊपर में राइट है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही बढ़िया। तो गाइस, क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक राइट आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। डन, देख सकते हो क्लिक कर देना है। बहुत ही बढ़िया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, क्लिक करने के बाद आपको यह फोटो में आपको फिर से आ जाना है गाइस। देख सकते हो यह फोटो। बहुत ही बढ़िया। आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आने के बाद आपको PNG लगा देना है। तो गाइस, मैं जो भी PNG यूज़ करूँगा सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी, आप चाहो तो उससे डाउनलोड कर सकते हो उससे। तो देख सकते हो गाइस, इसको भी इस तरह से जूम कर आपको थोड़ी सी लगा देना है, इस तरह से इतना सा रख देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको फिर से यार्ड वाली फ़ोटो में आपको आ जाना है। आने के बाद आपको PNG ऐड कर लेना है गाइस, फिर से आपको PNG ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं PNG को ऐड कर चुका हूं, तो इसको साइड में रखता हूं, इसको भी साइड में रखता हूं गाइस। देख सकते हो इसको भी थोड़ी साइड में रखता हूं। रखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा इस, रखने के बाद आपको ये वाली PNG को इस तरह से जूम कर अपनी फेस में लगा देना है, जो रंग वाली है इस पर अपनी फेस पर लगा देना है। देख सकते हो इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा इस, अच्छी तरह से लगा देना है। तो लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लगाने के बाद आपको ये टूल में आ जाना है। देख सकते हो इस पर आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा इस, आने के बाद आपको डार्क कर देना है गाइस। देख सकते हो डार्क एंड इस पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही बढ़िया। तो गाइस, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा इस, उसके बाद आपको जो आप लोग PNG साइड कर चुके हों उसको इस तरह से लेके आ जाना है गाइस। आने के बाद आपको इस तरह के होली वाली PNG को इस तरह से लगा देना है। बहुत ही बढ़िया।
तो गाइस लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, इस पीएनजी को भी आपको लेके आ जाना है गाइस। जो साइट कर चुके हो वो पीएनजी को इस तरह से लेके आ जाना है। आने के बाद आपको इसको भी इस तरह से फुल कर नीचे की ओर लगा देना है कुछ इस तरह से, बहुत ही बढ़िया। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको जो राइट देख सकते हो गाइस कॉर्नर पे, इस राइट पे आपको क्लिक कर देना है, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको ड्रॉ टूल देख सकते हो, ड्रॉ टूल इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आप लोग देख सकते हो थ्री डॉट, इस पर जाकर अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो गाइस फोटो सेव करने के बाद आपको एलआर एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है, मतलब कि लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो आने के बाद आपको लाइट में आ जाना है गाइस। आने के बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को कुछ इस तरह से माइनस कर देना है, हाईलाइट को भी माइनस कर देना है, शैडो को करीब इतना सा दे देना है 28 की करीब, व्हाइट को भी माइनस कर देना है, ब्लैक को भी माइनस कर देना है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद इस टूल में आकर टेम्परेचर को करीब इतना सा रख देना है, देख सकते हो थोड़ी सी टेम्परेचर को दे देना है गाइस, देख सकते हो करीब इतना रख देना है, ठीक है इतना ठीक है। उसके बाद आपको टिंट को भी करीब इतना दे देना है गाइस, थोड़ी सी दे देना है करीब 5-6 की करीब, तो गाइस ठीक है। उसके बाद वाइब्रेंस को भी करीब दे देना है गाइस, 40 रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको मिक्स टूल में आपको आ जाना है गाइस, ऊपर में देख सकते हो इस टूल में आकर आपको ऑरेंज पर आ जाना है गाइस, देख सकते हो ऑरेंज पर आकर आपको सैचुरेशन को करीब थोड़ी सी दे देना है गाइस, थोड़ी सी। उसके बाद ल्यूमिनेंस को थोड़ी सी दे देना है गाइस, देख सकते हो इससे क्या होता है कि अपनी फेस थोड़ी गोरा हो जाता है। उसके बाद आपको येलो में आकर इसको ह्यू को माइनस कर देना है, देख सकते हो गाइस ग्रीन में आकर इसको भी माइनस कर देना है ह्यू को, ब्लू को सैचुरेशन ब्लू में आकर सैचुरेशन को थोड़ी सी दे देना है। उसके बाद आपको जो नीचे वाले टूल है इस पर आपको आ जाना है। आने के बाद टेक्सचर को करीब इतना सा दे देना है थोड़ी सी, देने के बाद आपको क्वालिटी को भी करीब इतना दे देना है गाइस, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद बिगनेट को माइनस की ओर कर देना है, मिड पॉइंट को भी माइनस कर देना है गाइस। उसके बाद आपको शार्पिंग को करीब इतना सा रख देना है, कलर नॉइस को भी दे देना है, नॉइस इसको भी दे देना है, मास्किंग को देख सकते हो गाइस इतना दे देना है, कॉन्ट्रास्ट को इतना दे देना है। देने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस मेरा फ़ोटो करीब इस तरह से था बिफोर एंड अभी मेरा फ़ोटो इस तरह से हुआ है, देख सकते हो आफ्टर। तो चलिए गाइस उसके बाद आपको इस शेयर में जाकर अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो गाइस चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट।